तो भैया अब तक तो इंस्टाग्राम पर केवल जिस्म का नंगा नाच चल रहा था, लेकिन अब तो लोगों की जुबान भी गंदी हो गई है। वैसे तो इस बात से अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और नहीं समझे तो मैं बता ही देता हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो भैया मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम की गाली क्वीन के बारे में, जिसकी शक्ल तो गधे की गांड जैसी है, लेकिन वो गाली बहुत खतरनाक देती है। और इसकी हर वीडियो में आपको एक बात तो बिल्कुल कॉमन मिलेगी, और वो है मादर चोद के बच्चे। ये गाली आपको इसकी ज्यादातर वीडियो में मिल जाएगी। अच्छा, वैसे तो ये पापा की परियां किसी को भी कितनी भी गालियां दे लें, इनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इन्हें कोई गाली दे दे तो इनके अंदर आग भी बहुत जल्दी लग जाती है। मतलब इनके इमोशंस और किसी के इमोशंस कवाड़। बात तो सही है। मुझे तो इन दीदी की वीडियोज को देखकर ऐसा लगता है जैसे दीदी का किसी ने बहुत ही बुरा काटा है। खैर छोड़ो, हमें क्या मतलब किसी के कटने ना कटने से, हमें तो केवल दीदी को पेलने से मतलब है। तो देखते हैं दीदी की दो चार वीडियो और पेलते हैं दीदी को। चलो भाई, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, लगता है किसी मादरचोद के प्यार में पड़ गए हो। मादरचोद के बच्चे। अब तुम देख रहे हो कुछ सेंस था इसकी बात में, था कुछ सेंस इसकी बात में। और ये जो कह रही है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, लगता है किसी के प्यार में पड़ गए हो। अरे दीदी, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ तो तुम क्या होगे, मादरचोद? और हर वीडियो में दीदी मादरचोद की गाली तो ऐसे देती है जैसे पैदा होते ही इसकी माँ ने इसकी जुबान पर मादरचोद लिख दिया हो। सही बात है। और हाँ, वीडियो की शुरुआत में दीदी की आंखों को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा चला गया हो, तभी दीदी की आंखें तनाई हैं। अबे साले, मेरी जान, अगर रहना है तो सिंगल रहो, हाथ में दर्द होगा दिमाग में नहीं। अब तुम समझ रहे हो दीदी क्या कहना चाहती है। और पता नहीं इस बहन की घोड़ी को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि प्यार केवल सिर्फ ठुकाई के लिए होता है। अरे दीदी, प्यार प्यार के लिए भी हो सकता है। सही बात है। लेकिन नहीं, इसे तो इंस्टाग्राम पर भजड़ फैलानी है ना। और जैसे ही बोल रही है ना कि रहना है तो मेरी जान सिंगल रहो, हाथ में दर्द होगा दिमाग में नहीं, इसीलिए मैं दीदी से कहना चाहता हूँ कि रहना है तो मेरी जान सिंगल रहो, उंगली में दर्द होगा पिछवाड़े में नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। यार उसका दिया नाम था, साली बिना दिया चली गई। सकल देख रहे लौंडे की कमीना पंती साफ झलक रही है, और तेरी दिया बिना दिए चली गई तो बगल वाली से काम चला ले। वैसे भी मुझे लग रहा कि तुम दोनों को कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, क्योंकि वो सकल ही ऐसी बना रही है खेबड़ी सी। देख रही हूँ सामने बैठे लड़के को, मुर्शिद सोच रही हूँ एक मोहब्बत और सही। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि एक बार कटवाकर तेरा दिल नहीं भरा ना, एक बार कटवाकर तो तू पूरे इंस्टाग्राम पर गाली दिए फिर रही है, दूसरी बार कटवाकर पता नहीं क्या क्या करती फिरेगी। मुझे तो ये लग रहा है कि तू दूसरी बार कटवाकर कहीं पागल ना हो जाए। शाबाश बेटा, मजा आया।